जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आ रही है। बेहद ही ज़्यादा ताज़ा खबर और बेहद ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि भाजपा में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता का आज सुबह ही निधन हो चुका है। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव में इनको पार्टी ने टिकट दिया था और अचानक दिल का दौरा पड़ने से आज भाजपा के वरिष्ठ और दिग्गज नेता का निधन हो चुका है और इसके कारण से अब चुनाव भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार किस वरिष्ठ नेता का निधन हुआ है जिसके कारण से पूरे बीजेपी में मातम पसर गया है। दोस्तों बता दें कि भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू का बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया है, जिनकी अंतिम यात्रा आज सुबह 10:30 बजे उनके निवास पर किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि गोविंद मालू खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके थे और अभी की बात करें तो अभी फिलहाल वो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे। उनके निधन पर पार्टी के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। दोस्तों बता दें कि इस खबर को सुनकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दर्शन में शामिल होने के लिए भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनके निधन पर दुख जताए हैं। तो आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। चुनावी माहौल में बेहद ज्यादा दुखद खबर आ गई है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता गोविंद मालू की आत्मा को शांति मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में ओम शांति ओम लिख करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी और के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी और ताजा खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।